अब ये घंटों तक सोया रहेगा और जब ये होश में आएगा तो अपने आप को यहाँ पाकर हैरान नहीं होगा। अब बोलो ललन, क्या तुम अभी भी इसे बेचने की योजना बना रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे किसी काम का नहीं है। जंगल में रहेगा तो बेकार हो जाएगा, उसके लिए सही जगह सर्कस ही है और मैं उसे वही बेचूंगा। क्या लोग इसकी अच्छी कीमत देंगे एक आधी चड्डी में रहने वाले लड़के की? बिल्कुल देंगे, जब वो सुनेंगे कि लड़का जंगल में बड़ा हुआ है। फिर जब वो ताकत और कला के जौहर उन सबको दिखाएगा तो वह उसकी मुंह मांगी रकम देंगे। किस्मत से मैंने उसे पहचान लिया, पर उसे पकड़ने के लिए मुझे तरह तरह के पापड़ बेलने पड़े और जानते हो कितनी मुश्किल हुई है उसे यहाँ लाने में। उसे खाने का लालच देकर तुमने बड़ी समझदारी की, वो भूखा था, उसके पास और कोई चारा नहीं था। लड़के को बेचने के बाद हम अपना हिस्सा कैसे बांटेंगे लल्लन? आधा पैसा मेरा, आधा तुम दोनों का। ये सौदा मुझे मंजूर नहीं। वो तुम जानो, सारा काम तो मैंने ही किया है। ठीक है लल्लन, हम आधा ही ले लेंगे। हाँ। लड़का हिला तक नहीं, ज्यादा दवा तो नहीं मिला दी? हाँ थोड़ी ज्यादा ही थी, लेकिन इसके उठते ही तुम्हें होशियार रहना होगा। इसे अगर हमारी चाल समझ में आ गई तो बहुत खतरनाक हो उठेगा। मैं कहाँ हूँ? अरे बचाओ, ओ ओ मेरा सर। अरे यहाँ है कि नहीं कोई भी? अरे मेरी बात तो सुनो, अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आ, आ, जाने दो मुझे, जाने दो। कैसे हो प्यारे मोगली? मैं सोच रहा था पता नहीं तुम कब उठोगे। अच्छा तो तुम हो, तुम्हें मुझे इस तरह बंद करने का कोई हक नहीं है। छोड़ दो मुझे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बेकार की बातें मत करो बच्चे, जब तक तुम इन लोहे की सलाखों में कैद हो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बार तुम भाग भी नहीं सकते जंगली लड़के, अब हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। सुनो तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ से बम्बई जाने का रास्ता शुरू होता है, बरगेंजा वहाँ इंतजार कर रहा है। बरगेंजा? वो कौन है? अभी तुम उसे नहीं जानते, वो बम्बई की सर्कस चलाता है। बम्बई की सर्कस? ये सर्कस क्या होती है? हाँ तुम इसके बारे में नहीं जानते, जंगल में तो सर्कस होती ही नहीं। मैं बताता हूँ तुम्हें, सर्कस ऐसी चीज है जहाँ दुनिया के अजीबोगरीब करतब दिखाए जाते हैं सिर्फ एक ही तंबू के नीचे। और सबसे बड़ी सर्कस जो है वो बम्बई में ही है मोगली। वाह क्या तमाशा है, आदमी भूल नहीं सकता मोगली। वहाँ हर तरह के जानवर देखे जा सकते हैं, बड़े बड़े जानवर छोटी सी जगह में कमाल कर देते हैं। और फिर मनुष्य अपनी हिम्मत और कलाबाजियों के जौहर दिखाते हैं। और भी बहुत सी दृश्य देखकर दिल खुशी के मारे झूम उठता है मोगली। लेकिन मुझे सर्कस बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ऐसा मत बोलो बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें सर्कस में ही बेचने जा रहा हूँ। तुम दोनों जरा रफ्तार बढ़ाओ अपनी, अगर बरगंजा को गुस्सा आ गया तो चला जाएगा और हमें इस जंगली लड़के को बेचने की एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मोगली को अब तक वापस लौट आना चाहिए था, कहाँ होगा वो? वो अभी तक राजनगर में ही होगा। ये तुम कैसे कह सकते हो पप्पू? नहीं भालू, वो राधा को ढूंढने राजनगर गया था, और कहाँ गया होगा? अब मैं क्या बताऊँ, पर मुझे बड़ी चिंता है वो वहाँ किसी मुसीबत में न फंसा हो। ठीक कहते हो भालू, मोगली किसी मुसीबत में हो सकता है लेकिन वो मजबूर नहीं है,
हम सब जानते हैं कि वो कितना होशियार है। भालू, हम उसकी कला से वाकिफ हैं। और पप्पू, तुम तो उसके साथ ही रहते हो, तुम्हें मोगली की काबिलियत पर यकीन करना चाहिए। कैसी बात करते हो बघेरा, वो अभी तक बच्चा है। ओ, ये सच है कि वो बच्चा है, लेकिन बहुत ताकतवर है। अगर मनुष्यों से उलझ गया तो उसकी ताकत किसी काम नहीं आएगी। पप्पू ठीक कहता है, मनुष्य बहुत खतरनाक प्राणी है। हो सकता है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए मोगली खुद एक मनुष्य का बच्चा है। उसका दिमाग मनुष्यों का है और हुनर हमारे जैसा, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसके बावजूद चिंता तो मुझे भी है। पीटर बरगंजा, नमस्कार। ललन, तुमने बहुत देर कर दी, ये अच्छी बात नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, हम कुछ ऐसी मुसीबत में फंस गए थे कि क्या बताएं। ठीक है, अब बहाने मत बनाओ ललन। ओ, तो ये है तुम्हारा जंगली लड़का। कैसा लगा आपको ये लड़का, अभी जंगल से आया है? ओ, इसमें कोई खास दम नहीं है ललन, इससे ज्यादा खौफनाक तो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो ललन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको जो बताया सब सच है। मैंने अपनी आंखों से इसे कमाल की हरकतें करते देखा है। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ओ ठीक है ललन, जो हो गया सो हो गया। मुझे नहीं लगता ये लड़का हमारे सर्कस में किसी काम का होगा। क्योंकि मैं तुम्हें जबान दे चुका हूँ, इसीलिए इसे खरीद रहा हूँ। ये लो पैसे। शुक्रिया पीटर बरगंजा, तुम दोनों पिंजरे को गाड़ी में रखो। जी ठीक है। दुखी लगते हो मोगली, तुम्हारी जगह मैं होता तो आराम से बैठता। 3 दिनों का दौरा है बम्बई का। ये लोहे की सलाखें हर किसी को नसीब नहीं होती, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें हुई। अगर तुम्हारा इरादा भागने का हो तो उसे भूल जाओ, बरगंजा बहुत गुस्से वाला आदमी है और उसके पास बंदूक भी है। अलविदा मोगली, तुम्हारे मिलने से हमारी मुश्किलें दूर हो गई। आओ चलें दोस्तों। ए, भागो मत, जब तक कहीं पड़ाव नहीं डालेंगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझे? चलो। ए जंगली लड़का, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पीछे? नहीं जंगली लड़का, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलते क्यों नहीं? तुम बात नहीं करना चाहते तो ना सही।
ये सलाखें मुझे ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सकती। हाँ मोगली, तुम भाग निकलोगे, तुम दोबारा आजाद होगी, पर तुम्हें धीरज रखना होगा। जिसने तुम्हें पकड़ा है उनके पास बंदूकें हैं और मदद के लिए सिखाए हुए कुत्ते भी। सही समय का इंतजार करो, जब तुम्हें कोई मौका मिले सोचना मत, बस भाग जाना। मोगली, तुम बहादुर मोती के बेटे हो, भेड़ियों का महान नेता। अपने पिता की तरह तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, अपने हुनर का पूरा उपयोग करना होगा जो तुमने बघीरा और भालू से सीखा है। मौके का इंतजार करो, आजादी तुम्हारे कदम चूमेगी। से निकला जा सकता है। अगर ये लड़का सर्कस में हमारे किसी और काम ना आया तो घोड़े के अस्तबल तो साफ कर ही सकता है। ये लड़का कर क्या रहा है? ए जंगली लड़का, बस थोड़ा सा और। ए जंगली लड़का, तुम क्या कर रहा है उधर? ए कुछ नहीं ललन, तो बोला तुम बहुत चालाक लड़का है, लगता तो नहीं ऐसा। कोई बात नहीं जंगली लड़का, जो सौदा हो गया सो हो गया। हम तुमको ले जाएगा सर्कस में, घोड़े का स्थबल साफ करवाएगा, हाथियों को पानी पिलवाएगा तुमसे, और तुम हमारा कोई काम का नहीं जंगली लड़का। लेकिन पहले हम तुम्हारा होलिया ठीक करेगा, तुमको नहलाएगा धुलाएगा, तुम्हारा बाल कटाएगा और फिर तुमसे काम करवाएगा। ये क्या, ये लोहे की सराख यहाँ कैसे? शायद कुत्तों ने खेलते हुए छोड़ दिया होगा यहाँ। कोई बात नहीं, मैं इसे वापस रख देता हूँ। बहुत थक गया हूँ, लगता है सो जाना चाहिए, रात भी बहुत हो गई है, चलो सोया जाए। घोड़ा अगर इसी तरह हिलता रहे तो ठीक है। अब धीरे धीरे मेरी तरफ सरक रही है।
वाह मेरे दोस्त वाह, इसी तरह कूदते रहो, बस थोड़ा ही बाकी है, ये मेरे हाथ में लगते ही मैं यहाँ से आराम से निकल जाऊंगा। अरे वो देखो वहाँ है। ये शोर कैसा? ये कुत्ते भौंक क्यों रहे हैं इतना? लगता है खरगोश पकड़ लिया होगा उन्होंने। ये क्या, जंगली लड़का भाग गया? ए लड़के रुक जाओ, रुक जाओ मैं कहता हूँ। ए लड़का उस लड़के को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। रुक जा लड़के वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ए लड़के मैं तीन तक गिनूंगा और अगर तब तक तुम्हें सामने नहीं आया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। एक बर्गेंजा। नहीं मेरी बंदूक। ढूंढ लो अपनी बंदूक। कुत्तो पकड़ लो उस बदमाश को। चांगी लड़के तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। कुत्तो मार डालो उसे, मारो। अब तुम नहीं बचोगे जंगली लड़के। अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है लड़के। ललन बिल्कुल ठीक कहता था, लड़का लड़का जानवर है। मैं आजाद हूँ, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। राजनगर तो पहुंच गया लेकिन यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। काश एक बार राधा को देख पाता तो कितना अच्छा होता। काश इन गलियों में मुझे राधा दिख जाए।
हाँ 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 देखो मैं हूँ मोगली। हाँ जरूर मिलेंगे, मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं